अभी कुढ़नी विधानसभा में हूँ और बिहार सरकार के कानून मंत्री समीम अहमद जी यहाँ पर अभी प्रचार में आए हैं और आरजेडी के नेता भी हैं। सर, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एआईएम का वोट को लेकर बहुत सी बातें की जा रही है कि गोपालगंज की तरह तो ये नहीं हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, राय को पहाड़ आप लोग मत बनाइए। मीडिया के माध्यम से मालूम चल रहा है कि यहाँ एआईएम भी कोई पार्टी है, ऐसा कोई यहाँ पे महागठबंधन बिहार में जब से बनी है माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ, ये पूरी जनता इनके साथ है और यहाँ जनता की सरकार चल रही है, यहाँ किसी का कोई यहाँ लेना देना नहीं है। कुढ़नी के विकास के लिए क्या कुछ प्राथमिकता रहेगा सर? पूरे बिहार का विकास हो रहा है, सिर्फ कुढ़नी का विकास नहीं हो रहा है, पूरे बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं और नौजवानों से जो वादा किया था उन्होंने वो भी कार्य रोजगार देने का सिलसिला भी चल चुका है। तेजस्वी यादव के आने पर सर सवाल उठ रहा है थोड़ा थोड़ा, आएंगे कि नहीं? आएंगे 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 आएंगे। माननीय सामाजिक न्याय के योद्धा माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को सिंगापुर जाना है किडनी ट्रांसप्लांट, उसी में थोड़ा सा व्यस्तता है, वो आएंगे, जरूर आएंगे। 30 को प्रोग्राम भी लग गया है, ऐसा कोई इफ बट नहीं है। आप कहाँ कहाँ निकल रहे हैं सर अभी, क्या कुछ लग रहा है घूमने के बाद, क्या कुछ लग रहा है? घूमने के बाद तो पूरी जनता एकजुट है और हम लोगों के साथ जहाँ भी जा रहे हैं एकदम लोग पूरा जन समर्थन मिल रहा है। चलिए, बात कर रहे थे कानून मंत्री बिहार सरकार के समीम अहमद जी, अभी मैं कुढ़नी में हूँ और भी तमाम लोगों से मैं बात कराने का प्रयास करता रहूँगा। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।